हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज मैं आपको ले चलता हूँ अजमेर संभाग में स्थित आना सागर झील या आना सागर लेक। आना सागर झील या आड़ा सागर झील भारत में राजस्थान राज्य के अजमेर संभाग में स्थित एक कृत्रिम झील है, जिसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता आड़ाजी चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। आप देख सकते हो लहर मारता हुआ आना सागर का पानी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, तो बोटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ा सा आप लोगों को गार्डन घुमा देता हूँ, यहीं तो गार्डन के पास चलता हूँ मैं, बस आगे गार्डन है थोड़ा सा जो दिखा रहा हूँ, और भाभी लोगों के पास, उसके बाद आपको गार्डन दिखाता हूँ। मस्त बतख वतख है, मछली भी है पानी में, तो टिकट कटा के आया हूँ मैं अंदर गार्डन में। ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, टूरिस्ट के लिए 300 रुपये का फीस है एंट्री फीस, और वहाँ पास देखते हैं बोटिंग वाला कितना लेता है, बोटिंग का भी चार्ज होगा। तो गाइस, आना सागर लेक जो है 16 एकड़ में फैला हुआ है, तो जब लोग थक जाते हैं तो यहीं पास आराम करते हैं। तो आना सागर में जहाँ पास टाइल्स हैं, चट्टाने लगती हैं, वैसे टाइप में रहती है ये। और यहाँ देखिए ये जो चबूतरा है ना, या इसमें जो सिक्का चिपकाते हैं, तो सिक्का लेके भी आते। तो आना सागर का लेक जो देख रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आना सागर। अरे रेलिंग पहले नहीं थी, अभी रेलिंग भी लगा दी है, तो अभी अच्छा हो गया है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब। तो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था अपने दोस्त के साथ, तो यही पास बहुत अच्छी सेल्फी आती है, तो पिछली बार फोटो भी कैप्चर किया था। तो अभी ये देखिए यहाँ पास से बोटिंग स्पॉट जो है पास में पड़ रहा है, और उधर पूरा पहाड़ पहाड़ी दिख रहा है। तो अब मैं बोटिंग स्पॉट पे जा रहा हूँ और पूछता हूँ क्या रेट है, उसके बाद हम लोग बोटिंग करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। एक यहाँ पे मतलब सारी जगह देखा जाए तो रेलिंग पूरा लग गया है, कहीं भी आप चले जाओ वहाँ पास। ये देखिए और ऊपर जो है कंस्ट्रक्टेड बहुत सारे मकान बन गए हैं, है ना। तो बहुत दूर दूर से ये जो है जहाँ तक नज़र आती है वहाँ तक आना सागर का लोकेशन पड़ता है, और वहाँ पास पूरा 4 खम्भे हैं। वहाँ भी मैं एक बार फोटो मतलब कैप्चर किया था, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मोमेंट। अभी मेरे साथ भाभी आई हैं और बस हो गया, उसके अलावा कोई नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पहाड़ है, पहाड़ है पूरा, और मोमो भी आया है, मोमो लोग उधर हैं अभी। अगर मैं फ़िलहाल मैं अभी अकेले हूँ और मोमो लोग उधर है, यहाँ देखिए यहाँ पास फोटो भी कैप्चर कर। तो गाइस जिसे आप सेल्फी पॉइंट भी बोल सकते हैं आना सा पूरा गार्डन जी पास। मैं बोटिंग करने अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले भाभी लोगों को बता दूं, उसके पास जाऊंगा। तो अभी टापू के पास, ये देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, और ये जो है सब बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज जो ये आना सागर में गार्डन देख रहे हैं, तो इसका जो निर्माण है उसे जहांगीर ने करवाया था, और ये झील के प्रांगण में स्थित दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। और ये झील में जो पानी भरा हुआ है ना, इसका जो जल को भरने का पानी का जो काम है, ये स्थानीय आबादी द्वारा जो यहाँ पास निवास करते हैं उनके द्वारा करवाया गया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, 1635 ईस्वी में शाहजहाँ ने झील के किनारे लगभग 1240 फीट लंबा कटहरा लगवाया और पाल पर संगमरमर की 5 बरादरियों का निर्माण करवाया। जो ये देख रहे हैं ये बरादरी, तो इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और झील के प्रांगण में स्थित को तो मैं आपको बता दिया हूँ कि दौलता बाग जहांगीर द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये पूरे गार्डन को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। आना सागर का फैलाव लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और देख रहे हैं तो
तो गाइज जो बोटिंग का प्राइस है वो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक होता है। इस तरह से आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थलों में आनंद सागर झील शुमार किया जाए। हेलो मम्मू, चलो चल चल के दिखा रहा है। चलो मम्मू चलते, रास्ता नहीं सामने से है, एंड में आ गया था लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो हम फिर से रिटर्न जा रहे हैं। अभी मम्मू आप भी घर जाओगे, सबको बता दो जाना है आपको। तो गाइज ये जो उद्यान है इसे दौलत बाग भी बोलते हैं, जिसे जहांगीर ने निर्माण करवाया था और इसे सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। टकला भी हो गया है मम्मू, टकला हो गया है ना मम्मू, है चलो। तो फिर ये देखिए सब लोग आ गए हैं अभी गार्डन में, अब वो थकाई लगने लग गई है। नीचे गार्डन वार्डन भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। 25 रुपये टिकट का पैसा दिए हैं तो घूमने के लिए दिए हैं। देखते हैं नीचे बहुत पानी वानी है तो चलिए नीचे चलते हैं एक बार। मोमो चले नीचे, थोड़ा सा पानी है तो चल चल के दिखा रहा है। चलो मोमो चलते, रास्ता नहीं सामने से है, एंड में आ गया था लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो हम फिर से रिटर्न जा रहे हैं। अभी बात है मोमो आप भी घर जाओगे, सबको बता दो जाना है आपको। यहाँ से दरवाजा है ना, यहाँ से नीचे का खूबसूरत लोकेशन, तो चलिए पहले नीचे चलते हैं फिर वहाँ से हम लोग जो है घर के लिए जाएंगे, है ना मम्मू। ये देखिए और टकला भी हो गया है मम्मू, टकला हो गया है ना मम्मू, है चलो। तो फिर ये देखिए सब लोग आ गए हैं अभी गार्डन में, अब वो थकाई लगने लग गई है। नीचे गार्डन वार्डन भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। 25 रुपये टिकट का पैसा दिए हैं तो घूमने के लिए दिए। देखते हैं नीचे बहुत पानी वानी है तो चलिए नीचे चलते हैं एक बार। मोमो चले नीचे, थोड़ा सा पानी है। अब जो है अभी घूम के आ गए हैं पूरे गार्डन से, पूरे आनंद सागर से। ये देखिए अब मम्मू अभी रो रहा है। तलत हुसैन भी आ गया, ये फ्री वाला। अनस भी है, अनस अनस पगलू मत कर पगले, ये देखो। तो गाइस छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।